कंपनी ने बोनस दे दिया है कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है और इससे रिलेटेड हम करने वाले हैं बात सबसे पहले रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट है रिजल्ट कंसोलिडेट रिजल्ट है ओके okay? तो कंसॉलिडेट रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा स्टैंड स्टैंडर रिजल्ट देखेंगे तो आप थोड़े से निराश हो जाएंगे बट कंसोलिडेट रिजल्ट माने जाते हैं अगर हम आई की बात करें तो इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है रिवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं रिवेन्यू इस बारगे तिरसठ सौ अट्ठानवे इससे पहले, पहले 6,000 तो तो इस थी इससे पहले उनचास सौ करोड़ मिलियन रुपीज थी तो ओवरऑल देखिये तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा क्या किया है टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है जो कि एक अच्छा पॉइंट है। बस साथ साथ एक्सपेंसेस भी उसी कंट्रोल में आए तो अच्छी बात है अदरवाइज पड़ के वजह से आप जानते ही है क्या इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है उनके यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई तो है तो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ भी बढ़ी है थर्टी सिक्स नाइन मिलियन रूपीज थर्टी टू सिंटी सेवन तो ईयरली बेसिस पर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है जिसकी वजह से हम देखें तो एक्सपेंस लगभग इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर वो भी अच्छे खासे तरीके से बट यहाँ पर बात करते हैं टैक्सेस एंड ऑल यहाँ पर देने के बाद अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो नौ सौ पिचानवे मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट हुआ है लगभग निन्यानवे निन करोड़ रुपए का इससे पहले ग्यारह मिलियन से रुपीज था इससे पहले नाइन तो हम देखें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी की ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी खासी है और इस वजह से अगर हम देखें जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हैं यहाँ पर अदरवाइज कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म करती तो क्वार्टरली बेसिस पे हम देखें तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा मार्जिन पे बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन पे शायद ये तो फ्लैट आते हुए दिखाई देंगे या बढ़ते हुए और ईपीएस भी देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ये एक्सेप्शन होता है इसे हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कोई इशू नहीं है तो कंपनी के रिजल्ट कैसे है कंपनी के रिजल्ट एकदम बेहतरीन आए हैं और अगर हम यहाँ पर देखेंगे सॉरी यहाँ पर स्टैंड ऑन रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगी कंपनी के क्वार्टरली बेसिस और ईयरली दोनों बेसिस में यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से फीके आते हुए दिखाई दिए तो ये है हमें कंसोलिडेट देखना होता है तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेट देखा है इसलिए ओके यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू किस किस तरीके से आया एबिटा किस तरीके से आया है वो सब चीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे सब चीज आपको यहाँ पर पता चलेगी देखिए यहाँ पर एबिटा यहाँ पर देख सकते हैं 29.2 लगभग थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया क्वार्टरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस की बात हो रही है बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है इस चीज को भी आपको भूलना नहीं चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है कि किस तरीके से किस बेसिस पे इनकी बिजनेस होता हुआ नजर आया ये सब चीज दे रखा है कंपनी के बारे में अब बात करते हैं इससे कुछ और चीजों से रिलेटेड जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले डिविडेंड की तो कंपनी ने एज ऑलवेज जैसे कंपनी यहाँ पर कितने रुपए का डिविडेंड देती हुई नजर आती है एक रुपए का डिविडेंड देती हुई नजर आती है तो अगेन यहाँ पर कंपनी ने एक रुपए का ही डिविडेंड दिया है यहाँ पर जाएंगे तो एक रुपये एक रुपए की इन्होंने झड़ी लगा रखी है तो एक रुपए का ही डिविडेंड देते हैं तो इस बार भी एक रुपए का ही डिविडेंड यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग और यहाँ पर देखा आ, देखा जाए तो ये आपको एक रुपए का जो डिविडेंट है रखी है हुआ नजर आएगा बोनस की बात करें तो कंपनी ने बोनस दे दिया है यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन प्रोपोर्शन ऑफ वन न्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ टेन रूपीज इच फॉर ईच एग्जिस्टिंग टू इक्विटी शेयर जिसके पास दो शेयर होंगे हिंदी में, जो बिल्कुल सिंपल में किस के दो होंगे, उसे एक यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा चार शेयर होंगे दो मिल जाएगा। 100 होंगे पचास शेयर मिल जाएंगे जिसके बाद दो सौ शेयर होंगे उन्हें सौ शेयर मिल जाएंगे तो उनका हाफ शेयर उन्हें और मिलता हुआ नजर आएगा और प्राइस उसी तरीके से एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनकी मीटिंग होगी उसमें अप्रूवल लगेंगे तो यहाँ पर 21 सितंबर सितंबर और 9 September. इसके बीच में पर इनकी एक मीटिंग होगी अप्रूवल होगा अप्रूवल होने के बाद इनको इसी दौरान लगभग 9 से 22 तारीख के बीच में आपको शेयर एयर मिल भी जाएंगे और सब चीज डिसाइड भी हो जाएगा यही इसमें बता रखा है तो एक के क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट थोड़े से फीके आए हैं और कंसॉरिट स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस बाकी अच्छा खास रिजल्ट है नो डाउट कंपनी की बात करें माइक्रो कैप कंपनी है एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है क्यों नजर आती है पर इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए गिरावट होती है ओके माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप में ऐसी गिरावट होती है और इसके बाद ये क्या कंपनी शेयर अच्छा खासा चला उसके बाद एक लगातार गिरावट थी फिर शेयर देखिए अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया तो इसे ही कहते हैं अच्छे शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हैं अठारह का यहाँ पर स्टॉक का पी है इंडस्ट्री का पी थर्टी का है तो जहां पर शेयर ऑलरेडी हाई पी पे था वो पी एडजस्ट हो चुका है कम पे आ गया है एक बेहतरीन चीज ट्वेंटी सिक्स परसेंट का है जो कि एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स है प्लेजिंग कोई है नहीं डेट की बात करें टेन परसेंट के आसपास का डेट है दस की फेस वैल्यू है ओके तो आगे चल के शायद आपको स्प्लिट भी मिलता हुआ नजर आए और शेयर जिस तरीके से गिरता है ना उसी तरीके से यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अब बात करें यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट की तो कंपनी लगातार अच्छे खासे रिजल्ट पेश करी रेवेन्यू तो अभी भी अच्छे खासे है ओके okay, पर देखिए कंसोलिडेट रिजल्ट ही आ है अच्छा खासा है और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर स्टैंड लोन बेसिस पे देखिए तो स्टैंड लोन बेसिस पे तो देखिए मार्च क्वार्टर में भी थोड़ी सी गिरावट थी मार्च क्वार्टर में भी कंपनी के रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर फीके आते हुए दिखाई दिए थे कंपनी का बेसिस पर परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन रहा है यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी कंपनी परफॉर्म करती आई है रिजर्व्स की बात करें के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर, आ ए, का भी कम होता हुए नजर आ रहा है कंपनी का टेन परसेंट का आस पास का रेड है प्रमोटर्स के पास एज इट इज शेयर बने हुए हैं एफ भी है डी भी है एज वेल एज पब्लिक के पास भी यहाँ पर शेयर नजर आते हैं तो सब कुछ अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देता है तो आपको शेयर बेचने की नहीं ओके okay, अगर नीचे आता है तो नीचे खरीदने की जरूरत है रिजल्ट अच्छा आया है मिलता हुआ नजर आया चार्ट की बात कर लेते हैं चार्ट यहां पर देखिए शेयर भागा था शेयर भाग के यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया किसी ने अगर यहाँ पर टेक्निकल देखे देखेगा तो आप उसे समझ में आ जाएगी कि शेयर क्यों गिरता हुआ नजर आया शेयर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था ओके उस रेजिस्टेंस को टच करके चुपचाप नीचे आ गया बट अभी यहां पर मुझे नजर आता दोबारा इसे टच करेगा और जैसे ही इसे टच करेगा निकलने की कोशिश करेगा उनतीस सौ तक जाने की कोशिश पूरी करेगा और गिरावट हुई तो यहाँ गिरावट के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये जो इसका पर्टिकुलर पॉइंट है ना ये एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट नजर आता है एज वेल एज एक ये सपोर्ट नजर आता है दो सपोर्ट है के नीचे आया तो सीधे 2150 आएगा 2150 के नीचे आया तो ये है बट मुझे लगता नहीं है यहाँ यहाँ से लास्ट यहीं पर ही गिरेगा इसका चीजें दोबारा उठती हुई नजर आएगी रिजल्ट अच्छे खाते हैं सब चीज अच्छा है कंपनी ने बोनस दे दिया है कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है कंपनी की डेट मैंने आपको बता दिया है ओके और कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड आप कमेंट करिएगा ओके okay, शेयर काफी बेहतरीन है बेचने की भी जरूरत नहीं है थोड़ा लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करना पड़ेगा बहुत सारे लोग यहाँ भी अटके होंगे ओके okay, ऊपर शेयर जाए तो बेचने के थोड़ा सा निकलेगा ताकि नीचे आए तो नीचे उसे खरीद सके बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनस खुद की स्टडी करे वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करे आप चाहे तो ट्विटर और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर